पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि किस तरह नेहा कक्कर और उनके एक्टर बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली का ब्रेकअप हो गया। यूं तो नेहा ने इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की और अपने आप को काफी संभाल कर रखा था, मगर हमने आपसे शेयर किया कि नेहा के किस सीक्रेट मैसेज से ये बात रिवील हुई थी और अब नेहा ने अपना ब्रेकअप ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है। यस, यू आर हियरिंग अस राइट। नेहा कक्कर, जो एक्टर हिमांशु कोहली के साथ एक ब्यूटीफुल पेयर बनाती थी, काफी टाइम तक एक दूसरे को क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड कहने के बाद इंडियन आइडल के सेट पे ही दोनों ने अपना लव कन्फेस किया था। लगता है दोनों के बीच कुछ ज्यादा चल नहीं पाया और ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। नेहा ने जहाँ अपने आप को काफी संभाल कर रखा और डांस और इवन फंक्शंस में भी अपने आप को काफी बिजी रखते आई, मगर कुछ दिन पहले इंडियन आइडल के ही सेट पर जब एक कंटेस्टेंट ने एक इमोशनल गाना गाया, नेहा कक्कर अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई, काफी ज्यादा रोने लगी। उसके बाद नेहा ने अपनी सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं जानती हूँ कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ और आज कुछ ज्यादा ही टूट गई, इसलिए आज अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। नेहा कहती हैं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया और मुझे बदले में क्या मिला, कांट इवन शेयर के क्या मिला। आई नो एवरीबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट नाउ, पीपल आर नाउ गोइंग टू जज मी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे जो चीजें हुई भी नहीं हैं, लेकिन मुझे अब इन चीजों को सुनने की आदत हो गई है। मुझे नहीं पता था इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। खैर, सब कुछ गवा कर पता है हम सेलिब्रिटीज के दो चेहरे होते हैं, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ जितनी भी खराब चल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में यू विल ऑलवेज सी अस स्माइलिंग। वेल, नेहा का ये मैसेज रियली हार्ट ब्रेकिंग है। पुअर नेहा, वी विश दैट नेहा कक्कर फील स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड वंस अगेन, बिकॉज वी लव आवर सिंगर नेहा। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने फेवरेट सीरियल और एक्टर एक्ट्रेसेस से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और फिलहाल दें इस वीडियो को थम्स अप।